Good morning, ISC class 10 board examinations 2021 students and ISC class 12 board examinations 2021 students. ISC class 12 आपके examinations तो cancel हो गए हैं. आप देख सकते हो website पे भी continue आपका examination ISC class 12 year 2021 examinations cancel. तो officially मतलब announcement आपके board पे टैकेट हो गया. Circular definitely कल ISC डिक्लेयर कर देगी. ये वीडियो में आईसीएससी क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बना रहा हूँ कि उनका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वो कैसे रिजल्ट देख सकेंगे. स्टूडेंट्स काफी इसमें मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कैसे हम देख सकते हैं, जरा प्लीज उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए. तो आप रिजल्ट कैसे देख सकते हो, पहले आपको वेबसाइट पे जाना है. वेबसाइट के लिए आपको cisce.org, आपको गूगल क्रोम पे cisce.org पे क्लिक करना है तो आपका वेबसाइट आईसीएससी का ओपन हो जाएगा. स्टूडेंट्स अब वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एक टैग यहाँ पे लगा हुआ है रिजल्ट 2020. तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखा है रिजल्ट 2020 ना, वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट 2021. जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसी दिन आ जाएगा उसी समय पे. तो उस पे आपको जब क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने में 2020 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट देखिए थोड़ी देर में क्या आएगा, आपको अपना हॉल टिकट रेडी रखना होगा. स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे देखिए आपका कोर्स क्या है, आईसीएससी है या आईएससी, तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है. आईसीएससी है तो आईसीएससी, आईएससी क्लास 12 देख रहे तो आईएससी क्लास 12. स्टूडेंट्स देखिए अब आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो गए हैं. मार्क्स ऑलरेडी आईएससी के एग्जामिनेशन के क्लास 11 के एवरेज, क्लास 12 के एवरेज जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम बोर्ड के पास. अब यहाँ पे जो है रिजल्ट डिक्लेयर का डेफिनेटली जून के इस जून मंथ में ही, मतलब जून के लास्ट वीक तक या लास्ट वीक में आपका रिजल्ट क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का डिक्लेयर 100% हो जाएगा. स्टूडेंट्स मे बी 20 जून और 25 जून के आसपास में डिक्लेयर हो जाना चाहिए. स्टूडेंट्स देखिए भी कैसे आगे देखेंगे, पहले कोर्सेज जो भी कोर्स रहेगा, आप अगर आप आईएससी स्टूडेंट्स तो आईएससी, मतलब क्लास 12th स्टूडेंट है तो आईएससी, क्लास 10th तो आईसीएससी. अब आपका यूआईडी नंबर, यूआईडी मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका रहता है, यूआईडी नंबर आपके हॉल टिकट में बेटर रहेगा. ये नंबर आपका जो हॉल टिकट स्कूल भेजेगा उसमें यूआईडी नंबर और इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर आपका जिस टाइप में रहेगा स्लैश करके आपको वैसे ही लिखना रहेगा. फिर ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को जैसे आप इंटर करेंगे देन शो रिजल्ट, और प्रिंट रिजल्ट अगर आप प्रिंटर से कनेक्टेड आपका लैपटॉप वगैरह तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं. तो स्टूडेंट इस तरह से आप अपना इंडिविजुअल मतलब रिजल्ट देख सकते हो. इसके अलावा और भी कई प्रोसेस हैं जो मतलब कि आईसीएससी काउंसिल लेटर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि आप बाकी एसएमएस के थ्रू भी देख सकते हो. ओके तो वो चीजें भी अप्लीकेबल है. देखो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंटर द कोर्स कोड, ओके कैंडिडेट यूआईडी इंडेक्स नंबर एंड इंस्ट्रक्शन टू गेट आईसीएससी रिजल्ट 2020 ऑन योर मोबाइल एसएमएस. आल्सो देखो मोबाइल एसएमएस में आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको टाइप करना पड़ेगा आईसीएससी फिर स्पेस फिर आपका यूनिक आईडी नंबर और उसको सेंड करना पड़ेगा 09248082883 पर. और आईएससी रिजल्ट के लिए भी आपको सेम नंबर है पे मोबाइल पे आपको एसएमएस भेजना है. इसमें एसएमएस में पहले आप आईएससी फिर स्पेस फिर आपका यूआईडी नंबर और आपको मोबाइल नंबर भी भेज देना है. स्टूडेंट्स ये दो मैथड आपके जो मोबाइल नंबर से निकालना रिजल्ट और दूसरा आपको डायरेक्टली आईसीएससी वेबसाइट से आपका यूआईडी नंबर और इंडेक्स नंबर एड करके कैप्चा लिखने के बाद आपको रिजल्ट देख सकते हो. तो ये दोनों मैथड कन्वीनियंट मैथड है स्टूडेंट, जिससे आप अपना रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा आप डेफिनेटली देख सकते हो. हाँ जिन बच्चों के पास अभी तक हॉल टिकट नहीं मिला है, मतलब स्कूल से आपका ओके हॉल टिकट नहीं मिला तो आप स्कूल को कॉन्टेक्ट कीजिए, फोन करके स्कूल से आप चाहे उनसे उनका फोटो कॉपी इमेज मीन्स आपको किसी भी तरह से यूआईडी और इंडेक्स नंबर आपको चाहिए मिले, मतलब जब तक आप नहीं ले पाएंगे उनसे आप रिजल्ट नहीं देख पाएंगे. या तो हो सकता है वो लोग आपको मीन्स खुद ही डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे मैसेज के थ्रू कि हाँ यूआईडी नंबर और इंडेक्स नंबर, बट हो सके तो स्टूडेंट स्कूल में कॉल करके पूछिए, अगर आपको वो अवेलेबल करते हैं तो अपना हॉल टिकट जाके ले लीजिए. हॉल टिकट एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, यू हैव टू टेक द हॉल टिकट फ्रॉम स्कूल. अब नाउ स्टूडेंट्स जो रिजल्ट आएगा वो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हार्ड कॉपी, ये हार्ड कॉपी नहीं होगा स्टूडेंट. जब आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट देखिए सेम कलर प्रिंट भी निकाल सकते हो आप, ओके वो आपका पेपर पे आएगा. जो हार्ड कॉपी है रिजल्ट की वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 से 20 डेज के बाद स्कूल में आती है. अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि पूछ रहे थे सर कि अगर हमें एडमिशन्स के लिए स्कूल से, तो देखिए अगर आप को स्कूल हो कई कॉलेज तो ऑलरेडी क्लास 11 का एडमिशन दे दिए हैं बिना रिजल्ट डिक्लेयर, क्योंकि क्लास 10th में सभी लोग पास हैं इसलिए क्लास 11 में एडमिशन मिल रहे हैं बच्चों को. पर आपको स्कूल से एलसी लीविंग सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद ही आपको
एडमिशंस ले सकते हो अगर किसी और क्लास में हो, और अगर 10 से 11 जा रहे हो तो लीविंग सर्टिफिकेट सबसे नेसेसरी है। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट में जा रहे हो, किसी और स्टेट में जा रहे हो, तो आपको टीसी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और एलसी दोनों में बेटा डिफरेंस है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका रिक्वायरमेंट रहता है व्हेनेवर सपोज यू चेंजिंग द बोर्ड और चेंजिंग द स्टेट, देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। And leaving certificate means whenever you leaving the school, so now leaving certificate is necessary, which is very important document for your date of birth. Suppose aapka date of okay, birth certificate nahi hai, so leaving certificate is very important for date of birth or your residential proof also. Okay, students. So I think mera video ek kafi important raha hoga aap logon ke liye. Aapko agar video pasand hai to please video ko like and share kijiye. Aur channel mein abhi bhi agar aap naye hain, channel ko abhi tak aapne subscribe nahi kiya hai, students. So please channel को subscribe कीजिए and once again congratulations to all the ISC class 12 students because आपके examinations cancel हो गए हैं, आपके दिमाग से एक tension, एक relief मिल चुका है, पूरी तरह से tension निकल चुका है। तो students इस थोड़ी दिन rest कीजिए, rest करने के बाद अपने आगे की studies आप start कीजिए। Thank you students, thank you very much मेरे video को बने रहने के लिए। Thank you students. बंद नहीं हुआ।